जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर ऐसे महिलाओं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे व्यक्ति की पूजा भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना जाता है। दोस्तों, भोलेनाथ के नाम पर एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, शास्त्रों में शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शिव भक्त बड़ी धूमधाम के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। इसे खुशियों का पर्व माना जाता है, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। आपको बता दें, जो भी इस दिन भगवान शिव का व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ जीवन की सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। इतना ही नहीं, भगवान शिव माँ गौरी की पूजा करने से मनचाहा वर या वधु भी मिल जाते हैं। इसी के साथ ही, क्या आप जानते हैं 5 ऐसी महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए? भगवान शिव उनसे क्रोधित हो जाते हैं और जीवन भर उन व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर पर पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। शास्त्रों में इस बात को बिल्कुल ही मना किया गया है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तब भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी इस व्रत को किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप सभी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। जो लोग बिना शादी के साथ रह रहे हैं, लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, उन्हें भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर यह व्रत करते हैं तो उनसे भोलेनाथ रूठ जाते हैं और पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। दोस्तों, नंबर 2, मन में बुरे विचार एक दुष्ट व्यक्ति शिवरात्रि के इस पवित्र व्रत से हमेशा दूर ही रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर आप शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे भी आप हमेशा गंदा सोचते हैं, तो आप शिवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से क्रोधित हो जाते हैं और उनकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी आप महादेव का व्रत रखें, क्योंकि सच्चे मन वाले लोगों की ही महादेव सुनते हैं। मान्यता है, कोई भी व्रत तभी फल देता है जब उसे पूरी श्रद्धा और अच्छी भावना से रखा जाए। इसलिए शिवरात्रि का व्रत रखें तो किसी के प्रति मन में कोई गलत विचार और बदले की भावना भी लेकर ना आए, अन्यथा भोलेनाथ रूठ जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप इस व्रत को ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहते हैं जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें व्रत के चलते
एक हो जाना चाहिए, तभी ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है, पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा। भगवान शिव माँ पार्वती उनकी पूजा ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम दिखाएं। पति पत्नी एक साथ यह व्रत रखते हैं तो अत्यंत ही फलदायी होता है। दोस्तों नंबर 4, चाणक्य के अनुसार वैश्या की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते, यह शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करना महापाप माना जाता है। ऐसे भी शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर ही रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, जो व्यक्ति मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार रखता है, वह व्यक्ति जो गाली देता है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी युवक के मन में स्त्री के प्रति गलत विचार हो या किसी स्त्री के मन में किसी युवक के प्रति गलत विचार हो, या फिर ऐसे युवक जो स्त्रियों का सम्मान ना करते हो, बात बात पर उन पर चिल्लाते हो, तो ऐसे लोगों को कभी भी शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी विचारधारा वाले जातकों पर भोलेनाथ कभी भी कृपा नहीं करते। इसके अलावा कुवारी कन्याओं को भूलकर भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। वहीं कुवारी लड़कियों को शिवरात्रि का व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुवारी कन्याएं अवश्य ही करें। खास तौर से शिवरात्रि में जब कोई कुवारी कन्या भली भांति यह व्रत करती है तो भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा से उसे मनचाहे वर की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। कुवारी कन्याओं को विधि विधान से पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से यकीनन महादेव जैसे पति की प्राप्ति होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जय भोलेनाथ जरूर लिखें।